सबसे पहले लो लो ये भारत की जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत की जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, भाई मोदी जी आज हमारी यहाँ पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग हुई जिसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सीनियर लीडर्स हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम हमारे मंडलों के अध्यक्ष और बाकी सारे मोर्चों के लोग भी इसमें उपस्थित थे। आज की मीटिंग का जो मेन ये था कि 20 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जम्मू आ रहे हैं, उसमें उन्होंने कुछ इनॉग्रेशन करनी है और एक बड़ी रैली को संबोधित करना है। जो रैली हमारा जो मौलाना आज़ाद स्टेडियम है यहाँ पे, उस स्टेडियम में वो जो रैली है वो होगी। और राजौरी और पुंछ में लोगों में बड़ा उत्साह और ख़ास तौर पर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलने के बाद लोगों का यही था कि हम भी किस तरह रैली में पहुँचे, वो उसी के बारे में पूरी डिस्कशन की गई। यहाँ से कम राजौरी से 10-15 हज़ार लोग और पुंछ से 10-15 हज़ार लोग जो हैं वो इस रैली में जाएंगे और एक बड़ी रैली जो वो होगी उसका हमने आज पूरा जो था वो पूरी डिटेल्स जो यहाँ बनाई किस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे से ये रैली जो है वो हो सकती है। और 20 तारीख को 11 बजे इस रैली का टाइम है एमए स्टेडियम में। दूसरा, आज यहाँ पे मीटिंग के बाद एक बड़ी संख्या में कुछ 40 से 50 यूथ की जो है वो ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई, जो मेजॉरिटी जो है वो थन्ना मंडी और द्राल एरिया से यूथ थे। युवा मोर्चा के साथ साथ कुछ दूसरे लोगों ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। मैं इनका पार्टी में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मुझे लगता है कि इन यूथ की फोर्स को से इनको पार्टी में आने से पार्टी को एक बड़ा फ़ायदा जो है वो मिलेगा। और हमारा जो दूर दराज का इलाका है, हमारे इंटीरियर गांव में, वहाँ पे पार्टी की जो पकड़ है वो मजबूत होगी। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पार्टी को अप्रोच कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए और आने वाले समय में बहुत सारी ज्वाइनिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में होने वाली है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक वर्कर्स की मीटिंग हुई जिसमें 20 तारीख को श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जम्मू में स्टेडियम में पधार रहे हैं। सब राजौरी वासियों से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 20 तारीख को जम्मू स्टेडियम में पहुंच के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करें और उनके जो विचार हैं वो सुने, ताकि इस देश को, इस जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाना है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसमें लग के उस पर काम करे। नंबर दो, आज के दिन एक बहुत बड़ा यूथ का ग्रुप, लगभग 100-150 लोगों का एक बड़ा ग्रुप जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है कि नए से नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाना, ताकि वो जो भारत का विकास है जो हो रहा है उसमें वो भी अपना योगदान जो है वो दे पाए। मैं एक बार आपके चैनल के थ्रू पहाड़ियों को और यहाँ के गुजर भाइयों को मुबारकबाद दूंगा कि पहाड़ियों को उनका एससी स्टेटस मिला और गुजर भाइयों का बिना काटे हुए मिला, ये सब लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारक की बात है। राजौरी पुंछ का जो हिंदू मुस्लिम गुजर बकरवाल पहाड़ी का जो भाईचारा है वो कायम रहे। जय हिंद, जय भारत।